ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पांच परिव्राजकों को धम्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग हैं। उन्होंने सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम और प्रधान है। बुद्ध ने परिव्राजकों से सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यहाँ तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है। बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की भी कोई चीज कहीं हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है, जिसे संकल्प बल व इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है, तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि वह अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए यदि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहें, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटिया मेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है, तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है, और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को ना जान सके और आदमी इन आर्य सत्यों को ना जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्मकांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी यह ना समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र हैं, और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। हर आदमी की कुछ आशाएं होती हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं ऊंचे स्तर की हों। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी केवल सत्य ही बोले, आदमी दूसरे की बुराई ना करे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें ना करे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का व्यवहार ना करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की बातें ना करे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत और सार्थक हो। सम्यक वाणी का व्यवहार ना किसी के भय की अपेक्षा रखता है और ना किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा।
सम्यक कर्म, योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसे करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्म का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय। इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़ी बाधाएं हैं, इन्हें जीत लेना आवश्यक है। इन बाधाओं से मुक्त होने का उपाय सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि मन को हमेशा कुशल सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके।